मिनी ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। किस्मतपुर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी और अमीर कॉलोनी साथ साथ रहते थे। गरीब कॉलोनी में धनुष नाम का एक लड़का रहता था, वो बहुत अच्छा लड़का था। वहां अमीर कॉलोनी में यश और पुनीत नाम के दो लड़के अपने कार के साथ खेल रहे थे। धनुष उन्हें देख रहा था। धनुष को देखकर यश और पुनीत उसके पास आए। ए, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम यूं आकर हमें खेलते हुए देखा ना करो, जाओ जाओ दफा हो जाओ। अरे यार, मैंने इसे कई बार हमें खेलते हुए चुप चुप कर झांकते हुए देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो चोर है जो हमारे कॉलोनी के बच्चों के खिलौने चुराता है। देखो ऐसी बातें किया ना करो, मुझे भी ऐसे मिनी व्हीकल्स बहुत पसंद है, इसलिए जब भी तुम लोग खेलते हो तो मैं उस खिलौने को देखने आता हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, कहकर दुखी होकर वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन धनुष कूड़े के ढेर के पास से पुल की ओर जा रहा था कि उस कूड़े के ढेर में उसे एक पुराना टूटा फूटा मिनी ऑटो दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर देखने लगा। उस मिनी ऑटो को देखकर धनुष अपने मन में, देखने में तो ये ऑटो बहुत बढ़िया है, इसे रिस्टोर करके अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। यूं सोचकर उस मिनी ऑटो को अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसे रिस्टोर करने लगा। यूं उसे रिस्टोर करने के बाद उसने अपने मामा केशव मैकेनिक को उसे दिखाया। केशव ने उसमें जो छोटे मोटे रिपेयर्स थे वो करके दिया। धनुष उस ऑटो में बैठकर न केवल खुद घूमता था बल्कि गरीब कॉलोनी के बाकी बच्चों को भी ऑटो में बिठाकर चक्कर लगाता रहता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन धनुष अपने ऑटो में घूम रहा था कि वहाँ यश और पुनीत पहुँचे। क्यों भाई, लगता है इन कबाट खाने से उठा कर लाए हो इस ऑटो को। वैसे तुम इसे चलाते हो या ये तुम्हें चलाता है? वैसे इसे कूड़े से उठा कर लाकर तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम कितने गंदे हो। देखो मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं इसे लेकर घूम रहा हूँ। प्लीज मुझे रहने दीजिए, आप अपने खिलौनों के साथ खेलिए। तभी वहाँ दो चोर आए। उन्होंने यश और पुनीत को धक्का दिया और उनके मिनी व्हीकल्स को लेकर वहाँ से भागने लगे। उन्हें देखकर धनुष, पुनीत लगता है यही वो मिनी व्हीकल्स चोर है, वो भाग रहे हैं। मैं अपने मिनी ऑटो में उनका पीछा करता हूँ, तब तक आप दोनों बड़ों को लेकर आओ, कहकर वो उन चोरों का पीछा करने लगा। यूं उनका पीछा करते करते धनुष ने ऑटो की गति बढ़ाई और तेजी से जाकर उन चोरों के रास्ते को रोककर खड़ा हो गया। धनुष को देखकर एक चोर, क्यों बच्चों अपने आप को हीरो समझते हो, अपने इस खटारे को हमारे सामने आकर रोक दिया, चुपचाप अपने ऑटो को हटाओ वरना तुम्हारे ऑटो को भी ले जाकर कबाड़ी के पास बेच देंगे। अरे खजूर के पेड़ के तरह लंबे हो गए हो, बच्चों के खिलौने चुराते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप इन मिनी व्हीकल्स को यही छोड़ दो वरना मेरे हाथों पिटोगे। अरे ये अंगूठा जितना नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अब अगर हमने इसे नहीं मारा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अब पकड़ लो इसे। यूं दोनों ने धनुष को पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाले थे कि धनुष उनके हाथ में ना आकर अपने मिनी ऑटो को तेजी से चलाने लगा। चोरों को गुस्सा आया, दोनों धनुष के पीछे भागने लगे, लेकिन धनुष उनके हाथ नहीं लगा और ऑटो को तेज चलाने लगा। यूं तेज चलाते हुए वहां के पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाकर ऑटो को रोका। धनुष का पीछा करते करते चोर भी वहां पहुंचे। उन्होंने नहीं देखा कि वो पुलिस स्टेशन के पास हैं और उन्होंने जाकर धनुष को पकड़ा। तभी वहाँ खड़ी पुलिस आई और उन्होंने चोरों को पकड़ा। तब धनुष ने पुलिस को इन चोरों के करतूत के बारे में बताया। तब पुलिस ने उन दोनों चोरों को खूब मारा, फिर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद यश और पुनीत अपने माँ बाप के साथ वहाँ पहुँचे। दोनों ने धनुष से माफी मांगी। तब से धनुष पुनीत और यश अच्छे दोस्त बन गए।